जहां भैरोड कस्बे में भास्करानंद आश्रम के पीछे स्थित शमशान घाट की चार दीवारों को तोड़कर खुर्द बुर्द करने का एक मामला सामने आया है। मामले को लेकर गुस्साए सबलपुरा के लोगों ने उपखंड कार्यालय के सामने रेनसुक मोहल्ला वासियों ने अमर सिंह का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते लंबे समय तक वाहनों का आवागमन बाधित रहा और लंबा जाम लगा रहा। ये सब पुतला उतला फूका है इन्होंने, और वैसे भी ऐसा भी बोले लोगों को, ये इन्होंने अन्याय किया है और मैं इस अन्याय के साथ कोर्ट में जाऊंगा। पुतला कोई वैसे वैसे का फूका जाता है, ये आम किसान आदमी को पुतला फूक रहे हैं, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा, जबकि यहाँ कोई ज़मीन का रोड़ा नहीं किसी किस्म का, इनकी वहाँ ज़मीन भी नहीं है, न इनका संतान वहाँ घाट में, ब्लेम लगा के इन्होंने बकवास कर रहे हैं। इनका मैं कोर्ट में इनके लिए मान लाने का दावा करूंगा, और आज जो और फिर मेरे को मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा उसको निपटा लो, आप बैठ कर लो पंजाब कांग्रेस से कर लो, और फिर इन्होंने इतना वो आज किया है, ये इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। वहाँ साहब सरकारी कोई एक ज़मीन नहीं है, वहाँ एक इंच ज़मीन भी इधर उधर इंच भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, बंदर है बस स्टैंड की बस, और खदानों की ज़मीन है, और इसी वजह की ज़मीन नहीं है, नहीं तो रात को काम हुआ, ये तो एक बजे दो बजे की बात है, मेरे पास ये 3 बजे मेरे पास पहुँच ली तो गए थे 2-3 आदमी, फिर मैंने बोला बैठ के साहब बात कर लेंगे, आज शाम को बैठ के कर लेंगे भाई, नहीं तो जैसे 3 थी 4 थी वही, जैसे वो वहाँ जो बंड मारती गई वो 3-4 से वो मैंने साफ करवाएंगे खेत के अंदर से। कोई शमशान घाट है जो कि जैसा कि तहसीलदार जी ने फौरी जांच करी है, वो कोई प्राइवेट आदमी के नाम है और उनका कोई डंडा वंडा उन्होंने तोड़ दिया, समाज वाले आए थे आज मोहल्ले वाले, उन्होंने बताया कि ये हमारा शमशान घाट रहा है पुराने समय का और डंडा भी हम लोगों ने कराया था, उस संबंध में इनके आपस में विवाद हुआ और आज ये ज्ञापन देने आए थे, तो उसका तहसीलदार जी को दिशा निर्देश दिए गए जो रिकॉर्ड की स्थिति है और मौके की स्थिति उसकी जांच करें और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करें। SHO साहब ने कल उनको पाबंद भी कर दिया कि आगे वो बिना प्रशासन और बिना कोर्ट की अनुमति के कोई किसी प्रकार का काम वहाँ नहीं करें। ये साहब नगर पालिका अपने सबलपुर मोहल्ले का शमशान भूमि थी जो काल जिसे JCB ले जाकर और उसके जो डंडा था 4-4, 5-5 फुट का, 5-6 फुट का था, वो JCB से हटा दिया गया है, 1.5 फुट हटा दिया गया है, हरे उसमें कुछ हरे पेड़ थे उनको भी हटा दिया गया है और उस जगह को इकसार करने की कोशिश की है, प्रशासन को समाचार देने के बाद प्रशासन जाके उनको पाबंद किया है और अब प्रशासन ने तहसीलदार साहब ने और डिप्टी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 5-7 रोज में आपकी पूरी कार्रवाई करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उनका मामला है और उसमें जो उसकी शमशान भूमि थी उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की, किस वक्त हटाने की अमर सिंह पंच जी ने हटाया, अमर सिंह पंच जो उस खाताधारी उसने। राजस्थान के भरतपुर जिले के नेशनल हाईवे स्थित गांव बेरी के पास एक ट्राले ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही हलेना थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर लिया, फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। करीब 6 बजे हलेना थाने में बेरी गांव के पास में हाईवे पर एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति उछट कर और ट्रेलर के नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर मौत हो गई और दो व्यक्ति उछट कर दूसरी तरफ गिरने से मामूली चोटें आई। पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर थानाधिकारी हलेना और जाप्ता मौके पहुँच कर और घायलों को हलेना हॉस्पिटल में भिजवाया और जो मृतक है वो डेड मृतक की डेड बॉडी को हलेना हॉस्पिटल के मॉर्चरी उसके अंदर रखवाया, दोनों वाहनों को मौके से हटाकर और यातायात को सुचारू किया गया। मृतक का पोस्टमार्टम
करवा दिया गया है। बहरोड कस्बे के महात्मा गांधी स्टेडियम स्थित स्काउट कार्यालय में कार्यरत राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ बहरोड सचिव प्रवीण यादव ने ईमानदारी का परिचय दिया। दरअसल प्रवीण को अपने ऑफिस के पास एक पर्स पड़ा हुआ मिला जिसमें कुछ नकदी सहित दस्तावेज थे। वहीं प्रवीण ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सभी ग्रुपों में संदेश भेजा और कई जगहों पर संपर्क कर पर्स मालिक का नंबर खोजने में कामयाब हो गए और फिर उन्होंने पर्स मालिक को पर्स लौटा कर सच्ची समाज सेवा और ईमानदारी छवि का परिचय दिया। मैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ बहरोड सचिव प्रवीण यादव, मैं मेरे कार्यालय में था स्टेडियम में, ये मुझे पर्स मिला तो मुझे महसूस हुआ कि जब आदमी का इस तरह से कोई सामान डॉक्यूमेंट विशेषकर खो जाता है तो बहुत महसूस करता है, दुखी महसूस करता है और वो सोचता है कि मैं कहाँ चला जाऊँ, कैसे बनवाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैं ये सोच करके सोचा किसी के छोटे से नेक काम के लिए काम आऊँ तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। एज इट इज़ मैंने अपने कई ग्रुपों में इसको भेज दिया, इसका उठे ग्रुपों में भेज दिया, आपके माध्यम से ये वहाँ तक बात पहुँची, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर इसमें नगद करेंसी भारतीय मुद्रा 1170 रुपये और एक विदेशी नोट भी था और डॉक्यूमेंट में सारे इनके आरसी आधार कार्ड कई प्रकार के इनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो थे और वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एक व्यक्ति के लिए। हम सबको एक दूसरे के ऐसी मदद करनी चाहिए तो सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ा सफल मिलता है, बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। आपका धन्यवाद और भाई साहब का विशेष जल्दी इनको यहाँ बुला लिया गया तो बहुत अच्छी बात रही कि इन्होंने मीडिया के माध्यम से मेरा पर्स जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया है इन्होंने और मुझे जानकारी दी कि भैया आप पे ऐसे ऐसे पर्स गुम हो गया है तो आप यहाँ पे आके संपर्क कर सकते हो या फिर हम आपके घर पे ही आ रहे हैं पर्स देने के लिए। तो मैंने बोल दिया सर मैं ही आ रहा हूँ आपके पास और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और पत्रकार महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जो उनको मीडिया के थ्रू उन्होंने मेरे को